आज हमारा टॉपिक है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्लासेंटा जो है वो लोअर मार्जिन्स में सिचुएटेड होता है यूट्रस में। सो नॉर्मल अगर हम प्लासेंटा का सिचुएशन देखें तो वो होता है इन दी अपर बॉर्डर्स, जैसे अपर बॉर्डर ऑफ दी यूट्रस होता है उसके लेटरल किसी भी तरफ, राइट या लेफ्ट तरफ हम देखते हैं कि प्लासेंटा के इम्प्लांट होता है। लेकिन इस नॉर्मल लोकेशन के अलावा अगर प्लासेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट की तरफ अगर आके अटैच हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ओके, सो प्लासेंटा प्रीविया इज़ व्हेन द प्लासेंटा इज़ इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज प्लासेंटा प्रीविया। इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज में हम देखते हैं कि 0.5 to 1% केसेस प्लासेंटा प्रीविया के निकलते हैं, उसमें से 80% जो केसेस हैं दैट कम्स इन दी केसेस ऑफ मल्टीग्राविडा मदर्स। ओके, नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। एटियोलॉजी में हम देखते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया मतलब ये जो प्लासेंटा है जो ऊपर डेवलप होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, वो नीचे की तरफ यूट्रस में क्यों अटैच्ड है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ ड्रॉप डाउन थियोरी। ड्रॉप डाउन थियोरी का मतलब है कि फर्टिलाइज्ड ओवम अगर नीचे इट फिट ड्रॉप्स डाउन टू द यूट्रस और नीचे अगर वो इम्प्लांट हुआ और वहाँ पर अगर प्लासेंटा बना। इसके अलावा सिचुएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव डेसिड्यूआ। डिफेक्टिव डेसिड्यूआ, डेसिड्यूआ वो पार्ट, डेसिड्यूआ बेसालिस वो पार्ट होता है प्लासेंटा का जो मेटर्नल साइड पे होता है, मतलब यूट्रस से अटैच होता है। अगर डेसिड्यूआ जो है वो डिफेक्टिव है और वो बहुत ज़्यादा अगर फैलना स्टार्ट कर लें तो देर आर चांसेस कि धीरे धीरे ये जो प्लासेंटा है दैट कैन कम इन टू द लोअर सेगमेंट। ओके, इसके अलावा बिग सर्फेस ऑफ द प्लासेंटा एज इन केसेज ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जिसमें प्लासेंटा का एरिया अगर ज़्यादा है तो दैट कैन ऑल्सो बी ए रीज़न जिस वजह से इट कैन डिजन डाउन टू द यूट्राइन लोअर सेगमेंट। मल्टीपैरिटी एक रीज़न हो सकता है। ये इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मल्टीपैरिटी, अगर फोर्थ प्रेगनेंसी या फिफ्थ प्रेगनेंसी है तो देर आर चांसेस कि जो यूट्रस है उसके मसल्स जो हैं इट कैन गेट अ वीकर देन बिफोर एंड दैट कैन लीड टू द प्लासेंटल डिसेंडिंग इनटू द लोअर पार्ट। इसके अलावा अगर एज बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मदर की एज 35+ है तो शी इज़ हैविंग मोर रिस्क दैन अ पर्सन हु इज़ यंगर दैन हर। इसके अलावा हिस्ट्री अगर है, सिजेरियन सेक्शन की अगर कोई हिस्ट्री रही है, यूट्रस में कोई स्कार की हिस्ट्री रही हो, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी इंजरी, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे मायोटोमी या हिस्ट्रोटोमी वगैरह हुआ है, तो उस कंडीशंस में हो सकता है कि उस स्कार की वजह से देयर कैन बी अबनॉर्मल लोकेशन ऑफ द प्लासेंटा। लास्ट हम देखते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग इज ऑल्सो अ वेरी हाई रिस्की सिचुएशन जिसकी वजह से प्लासेंटा प्रीविया या प्लासेंटल अबनॉर्मैलिटीज हो सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग के दौरान क्या होता है कि स्मोकिंग में जो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जो पूरी तरीके से कम्बस्ट नहीं होते, पार्शियली कम्बस्शन होता है जिनका, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं वो जब बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर तो दे क्रिएट अ हाइपोक्सीमिक कंडीशन, और इस हाइपोक्सीमिया को कंपनसेट करने के लिए प्लासेंटा जो है वो हाइपरट्रॉफी में चला जाता है, मतलब प्लासेंटा अपने सेल्स के साइज़ को इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन कंपनसेशन, तो उस वजह से जो हाइपरट्रॉफी हो रहा है दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लासेंटा एंड दैट कैन लीड टू द डिसेंडिंग ऑफ द प्लासेंटा। ओके, सो ये सब हमने बात किया एटियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स और डिग्रीज की। तो प्लासेंटा प्रीविया चार टाइप्स में हम देखते हैं। टाइप वन, जब लार्जर पार्ट ऑफ प्लासेंटा जो है वो अपर सेगमेंट में ही होता है और उसके जो मार्जिन्स हैं वो लोअर सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो दैट इज़ अ टाइप वन, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता। सेकेंड पार्ट जो है वो मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब सर्विक्स के जो पॉइंट है, सर्विक्स जैसे ऐसे है तो यहाँ तक अगर पहुँच चुका है टिप तक, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। थर्ड जो होता है दैट इज़ इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल, मतलब सर्विक्स को पार्शियली वो क्लोज कर रहा है, मतलब जो सर्वाइकल ओपनिंग है उसके आधे एरिया तक या कुछ एरियाज तक प्लासेंटा कवर हो चुका है, उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। और सेंट्रल या टोटल का मतलब है कि प्लासेंटा ने पूरा सर्वाइकल ओपनिंग क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो इसमें टाइप वन और टाइप टू जो होते हैं ये ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, जबकि टाइप थ्री और टाइप फोर बहुत रिस्की होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। सो क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं कि द ओनली सिम्टम ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इज़ वजाइनल ब्लीडिंग। और वजाइनल ब्लीडिंग की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें तो ब्लीडिंग सडन ऑनसेट की वजह से होता है, ब्लीडिंग सडन ऑनसेट, ब्लीडिंग का जो ऑनसेट है वो सडन होता है।
एंड देन पेनलेस होता है, कोई एपरेंट रीजन नहीं होता है ब्लीडिंग का, इट कैन हैपन एनी टाइम एंड इट कुड हैपन रिकरेंटली. ओके, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, प्लासेंटा प्रीविया के दौरान ब्लीडिंग क्यों होता है. अगर प्लासेंटा नीचे की तरफ आके अटैच हो गया है तो धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करते हैं तब ये जो लोअर सेगमेंट है ये धीरे धीरे डायलेट होता है. एंड इस डायलेशन के टाइम में क्योंकि प्लासेंटा जो है वो इनइलास्टिक है, डज नॉट हैव एनी इलास्टिक प्रॉपर्टी, और उस वजह से जब ये यूट्राइन मेम्ब्रेन, जब सर्वाइकल के आसपास जो लोअर सेगमेंट का जो एरिया है वहाँ का यूट्राइन सेगमेंट जब एक्सपैंड होता है और उस टाइम पे प्लासेंटा एक्सपैंड नहीं कर पाता तो ये किसी एक पॉइंट से डिटैच होना स्टार्ट होगा. तब ये इसमें जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो रप्चर होंगे और वहाँ से ब्लीडिंग आती है. दिस इज़ द ब्लीडिंग विच वी सी इन केसेस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया. ओके, सो ये हुआ प्लासेंटा प्रीविया के बारे में. एंड देन हम बात करते हैं साइंस के बारे में. साइंस में हम देखते हैं कि जो जनरल कंडीशन है, जो एनीमिया है, दैट करस्पॉन्ड्स टू द लॉस ऑफ ब्लड. इसके अलावा जो साइज ऑफ यूट्रस है वो वैसा ही होता है जितना प्रेगनेंसी का टाइम जितना होता है उस हिसाब से ही होता है, देर इज़ नो डिफरेंस. यूट्रस फील भी एग्जैक्टली जैसा ही होता है ज़्यादातर, जैसा नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान होता है. यूट्रस फील सॉफ्ट एंड इट फील्स सेम शेप एज इट हैज़ टू बी जब नॉर्मल प्रेगनेंसी हो. मैल प्रेजेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. FSH जो है, फीटल हार्ट साउंड जो है वो ऑडिबल होता है, लेकिन हेड जो है फीटस का, अगर वर्टेक्स में है तो हेड जो होता है फीटस का वो फ्लोट करता है, जो बहुत कॉन्ट्ररी होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के हिसाब से. ओके, सो दिस इज़ दी फीचर्स जिसमें हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं वल्वल इंस्पेक्शन. वल्वा को जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हम ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, ब्लीडिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ हम वहाँ पे अगर फील करें तो हमें प्लासेंटा फील हो सकता है. सो दिस इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हेन वी डू अ वल्वल इंस्पेक्शन. ओके, वजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मली नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल जो मदर हैं उन्हें हम ऑपरेशन थिएटर में एग्जामिन कर रहे हैं, जस्ट हम सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करने के बाद या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जब तैयार कर लिया है उसके बाद ही वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि वजाइनल एग्जामिनेशन की वजह से वहाँ पे किसी भी तरीके का अनड्यू कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं. ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सोनोग्राफी किया जा सकता है. सोनोग्राफी में ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस पेरिनियल सोनोग्राफी और कलर डॉपलर जो फ्लो स्टडी है वो किया जा सकता है. ट्रांस अब्डोमिनल में अब्डोमिनल एरिया के ऊपर से, ट्रांस वेजाइनल में वेजाइना से इंसर्ट करके जो प्रोब है उससे किया जाता है. ट्रांस पेरिनियम में पेरिनियम के ऊपर, एनल एनोरेक्टल रीजन तक पूरा जो पेरिनियम है उसके ऊपर से किया जाता है, देर इज़ मिनिमल इन्वेशन इनटू इट. इंटरनल ओसबस इंस्पेक्ट किया जा सकता है. कलर डॉपलर फ्लो स्टडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसको एग्जामिन किया जाता है. देखिए MRI किया जा सकता है. इसके अलावा हम देखें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं जो इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन. डायरेक्ट विजुअलाइजेशन तब कर सकते हैं जब OT में सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं या उस कंडीशन में डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जा सकता है. ओके, लास्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में. सो कॉम्प्लिकेशन में जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बिफोर लेबर, ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर लेबर. सो बिफोर लेबर या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या देखते हैं कि देर आर हाई रिस्क ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, देर कुड बी मैल प्रेजेंटेशन एंड देर आर चांसेस ऑफ प्री टर्म लेबर. ओके, ड्यूरिंग लेबर हम देखते हैं क्योंकि ये प्लासेंटा नीचे की तरफ है, देर कुड बी अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है क्योंकि प्लासेंटा निकलेगा सबसे पहले तो कॉर्ड उसके साथ निकल सकता है. सर्विक्स पे ही अटैच्ड है, सर्विक्स वेटेड हो जाता है जिस वजह से सर्विक्स का जो डायलेशन है वो सॉफ्ट स्लो हो जाता है. इंट्रापार्टम हेमरेजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा. PPH होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो हम देखेंगे प्रिपेरिंग के टाइम में भी. और रिटेन्ड प्लासेंटा हो सकता है, प्लासेंटा का जो जो पार्ट्स हैं वो मतलब यूट्रस में रह सकता है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोअर अटैचमेंट और जो एडहेसिवनेस है उसकी वजह से. ओके, प्यूपेरियम में हम देखते हैं कि सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सेप्सिस का रीज़न ये भी होता है कि प्लासेंटा सर्विक्स के बहुत पास में लोकेटेड था, इस वजह से जो वहाँ पे इंजरी हुई होगी. और क्योंकि सर्विक्स जो है, वजाइना सर्विक्स जो है वो ईजी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल होते हैं, इसीलिए सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सब इन्वोल्यूशन हो सकता है बिकॉज ऑफ द ऑल्टर्ड अटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा. एम्बोलिज्म में हम देखते हैं कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड मदर के ब्लड सर्कुलेशन को एंटर कर जाए तो उस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि एम्बोलिज्म हो सकता है.
लास्ट हम बात करते हैं फीटस के बारे में, तो अगर प्री टर्म लेबर हो रहा है या अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है, तो क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा हुआ है तो लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस है, LBW बेबी। एस्फिक्सिया होने के चांसेस हैं ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की वजह से, क्योंकि प्लासेंटा को ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहिए, अगर प्लासेंटा पहले ही डिटैच हो गया तो देयर विल बी ऑक्सीजन डिप्रिवेशन। इंट्रायूटराइन डेथ हो सकता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इल फंक्शनिंग ऑफ द प्लासेंटा। बर्थ इंजरीज हो सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिव इंटरफेरेंसेस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए बर्थ के टाइम में इंजरीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं ऑपरेटिव इंटरफेरेंसेस की वजह से, जैसे वेंटोज या फॉर्सेप डिलीवरी की वजह से भी। और साथ ही साथ प्लासेंटा अगर पहले इवैक्यूएट हो गया है या प्लासेंटा बेबी को अगर इवैक्यूएट होने नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में बर्थ इंजरीज हो सकती हैं। एंड लास्ट है कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिप्रिवेशन ऑफ फ्लू न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो प्लासेंटा से मिलना चाहिए था। ओके, सो यहाँ हमने देखा प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, आप ऐप को डाउनलोड करें, ऐप को विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नोट्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू।